अच्छा, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब इतने कम दिन बचे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? उन सभी बच्चे से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बात बहुत कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ध्यान से सुनना और मुझे रिस्पॉन्स करना कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब पूरे दिन में आपने सिर्फ दो ही काम किए, एक सोना और दूसरा पढ़ाई करना। खाया पिया सोया और सिर्फ पढ़ाई किया, इसके अलावा कोई फालतू काम नहीं किया। बेटे टाइम कम नहीं है लेकिन आप जिस तरह से इसे यूज कर रहे हैं वो बहुत कम है। अगर आप एक हेल्दी स्लिप लेते हो 6 to 7 hours की, फिर भी आपके पास 17 hours बचते हैं। 1-2 घंटे आप निकाल दो खाने पीने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, लेकिन 14 to 15 hours का आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो। आप में से 99% बच्चे बोलेंगे कि 14 टू 15 आवर्स स्टडी आपने नहीं किया, या आप थिंक करो लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब आपने 14 टू 15 आवर्स का स्टडी किया था। सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन 2 घंटे सिर्फ आप इसमें वेस्ट कर देते हो कि करना क्या है। लंच करने के लिए जाते हो 15 मिनट के जगह 2 घंटे वेस्ट करके आते हो, शाम को 2 घंटे वेस्ट कर देते हो। बेटा कहाँ से आपको टाइम मिलेगा? टाइम कम नहीं है अभी भी, अगर आप करना चाहो ना तो बहुत कुछ करने के लिए सफिशियंट टाइम। जब आप वीडियो देख रहे हो उससे जस्ट 3 दिन आप ट्राई करके देखो, उस इंस्टेंट से आप 3 दिन ट्राई करके देखो जिसमें आप अपने माइंड को समझाओ कि नहीं मुझे और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल पागल की तरह पढ़ाई करना है, सिर्फ सोना है खाना है और पढ़ाई करना है और कुछ नहीं, इसके अलावा इधर उधर कहीं कुछ नहीं, किसी से बातें नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है और सोना है। और 3 दिन के बाद आप आके मुझे बताओ कि क्या आपके पास सही में टाइम कम है या फिर आप करना नहीं चाहते। यही डिफरेंस होता है आप में और जो बच्चे सिलेक्शन लेंगे उनमें। 99% बच्चे इस टाइम सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, इतने कम टाइम बचे हैं। और 1% बच्चे जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको पता है कि बस इसी टाइम को यूटिलाइज करके अपना रिजल्ट निकल सकता है, वो बच्चे 15-15, 17-17 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो 1% बच्चे सेलेक्ट होंगे और वही 1% बच्चे का रूल आपको भी फॉलो करना है सिलेक्शन के लिए।